रोड वोड सब ब्लॉक कर रखे इस टाइम, पीछे ट्रकों की लाइन लग गई। मेरे हिसाब से थोड़ा सा उतरेंगे और तारुक आ जाएगा। तारुक 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 ये कुछ ऐसा सीन आया, रोड तो बंद पड़ा आगे आगे, हम किला पास से नीचे आगे बिल्कुल। जल्दी कर दो फिर। तो फुटेज लेने के बाद यहाँ से अपन लग चलते हैं सख्ती सख्ती 30 किलोमीटर और है यहाँ से, और सख्ती से हमें पेट्रोल लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कैरी करना पड़ेगा या ब्लैक में, क्योंकि सख्ती से 28 किलोमीटर दूर है कारू, तो इससे बेटर है हम लोग कैरी कर ले पेट्रोल। तो भाई सामने का व्यू देखो यार, कितने सारे माउंटेन्स दिखाई दे रहे एक साथ, क्या व्यू है भाई, ऑसम ऑसम भाई, क्या व्यू आ रहा है यार सामने का। वो सकती है ना, एक वो मैसेज आ रहा है, देख लो ना। तो भाई रोड देख रहे हो यार, क्या रोड, मक्खन जैसी रोड आ रही है, जैसे ही हम लोग नीचे उतरे 1 किलोमीटर तो क्या रोड और क्या पैचेस दिख रहे हैं यहाँ से, क्या टर्न्स दिख रहे हैं। ये देखो वो सामने जो गांव दिख रहा है सख्ती गांव है, और यहाँ से नीचे तक की पूरी रोड दिख रही है। तो 1:30 बज चुके हैं और 2 बजे तक अनुमान है पहुँच जाए हम लोग। तो कुछ शॉर्टकट लेते हुए बीच में से, और क्योंकि वैसे काफ़ी लंबा पड़ रहा था रूट, तो मिट्टी है ज़्यादा, यहाँ से एक और शॉर्टकट लेता हूँ भाई। वाह, रूट नहीं है कोई, कुछ नहीं है, तो यहां से तो रूट है नहीं। क्या यार वादियाँ देखो सामने की यार, क्या लग रही है, कितने सारे माउंटेन एक साथ और उनके पीछे बर्फ वाले पहाड़। अरे कहाँ ले रहे हो अंकल, यहाँ से 16 किलोमीटर मोर। शॉर्टकट पीछे से, चलो कोई नहीं, अपन तो वाई रूट चल रहे हैं। तो ये है सख्ती विलेज, और यहाँ बाइसिकल करते हुए लोग तो यहाँ हमें फ्यूल के लिए पूछना पड़ेगा कि हमें कहाँ फ्यूल मिल सकता है यहाँ पे, तो उसको कैरी करते हैं। अभी वैसे टंकी फुल है, 1-1.5 लीटर और आ जाएगा इसमें। पेंगोंग के लिए ही जा रहा है, हाँ ऊपर जो केला पास बना वो यहीं से है। और पेट्रोल पे है या कहीं आसपास? अच्छा नहीं है, कोई ब्लैक में भी नहीं मिलता, ठीक है एक बार देखो ठीक ग्रिप। तो हम लोग कारू आए और कारू में आके हमने पेट्रोल फिलिंग करवाई है, अपना टैंक फुल करा लिया वापस से और 5 लीटर की कैन लगवा ली। तो जो ये वाला रूट देख रहे हो ये आ रहा है हमारा कारू से ऊपर, और
चांगला की तरफ जा रहा है, तो चांगला यहाँ से करीब करीब होगा 25-30 किलोमीटर और होगा, तो हमें चांगला जाना नहीं है। चांगला से पहले ही हम लोग केला पास के लिए मुड़ जाएंगे। अगर वहाँ स्नो नहीं मिली तो बहुत अच्छी बात है, हमारे 30-40 किलोमीटर बच जाएंगे और हम केला पास होते हुए सीधे पेंगोंग पहुँच जाएंगे, पेंगोंग ये मान। तो रूट सही है और काफ़ी अच्छे रूट बने हुए सामने देखो, और ये गाँव यहाँ से हम लोग आए थे और शक्ति गए थे, शक्ति से वापस पेट्रोल भराते हुए ऊपर आए, और ये बाइक है हमारी जैरिकैन में हमने पेट्रोल लिया है, यहाँ पे दोनों भाइयों ने लिया है। तो यहाँ काम चलते हुए और रोड वोड सब ब्लॉक कर रखे इस टाइम, पीछे ट्रकों की लाइन लग गई, काफ़ी ट्रक आ रही है पीछे से और इधर भी गाड़ियों की लाइन। तो ये आ गया जिंगराल, और वो बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ जिंगराल, तो ये जिंगराल चेक पोस्ट है और यहाँ से हम लोग लेंगे केला पास के लिए। तो करीब करीब हमें 20 मिनट से 30 मिनट लग गए थे वहाँ जाम में, क्योंकि आर्मी के काफ़ी ट्रक जा रहे थे वहाँ से, और रोड साफ़ होने के बाद भी। तो यहाँ से देखते हैं हम लोगों को कहाँ कट है, नाम नमक निशान, केला पास के लिए ऊपर से चांगला, चांगला जा रहा है तो ऊपर, हाँ अच्छा आगे से राइट, ठीक है सर। जिंगराल केला 100 और एल्टीट्यूड 2800 फिट, तो ये रूट जा रहा है हमारे एमपी साहब ने उद्घाटन किया था इस रूट का। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे केला पास के लिए। हम लोग जिंगराल से 2-3 किलोमीटर ऊपर आए और यहाँ से रोड कट रहा है और ये इनॉग्रेशन का बोर्ड है और यहाँ से रोड जा रहा है केला पास के लिए। और ये रूट आते हुए ये भाई पीछे से आते हुए और ये ऊपर जा रहा है चांगला के लिए, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। अगर बर्फ़ नहीं मिली तो हम लोग यहाँ से पेंगोंग उतर जाएंगे। हाँ तो चलते हैं फिर भाई, मिलते हैं आगे। आप कहाँ से आ रहे हो? ऊपर का रूट सही है केला पास वाला? नहीं ऊपर कोई बर्फ वर्फ तो नहीं है ज्यादा? चलो ठीक है, ठीक। कितनी बर्फ है यहाँ, कितनी बर्फ है ऊपर की हाइट पे, और हम काफी हाइट पे आ गए जंगल से भी, तो मुझे भी अब समझ में आएगी क्यों इतनी बर्फ है यहाँ पे, क्योंकि ये काफी हाइट पे है, वहाँ नीचे इतनी बर्फ नहीं थी पर यहाँ काफी बर्फ है। और यहाँ मार्क भी कर रखा है केला टॉप के लिए, जगह जगह यहाँ मार्क कर रखे हैं, पत्थरों पे लिखा हुआ है। और रोड कच्चा है ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि जस्ट अभी ओपन ही हुआ है ये 29 अगस्त को, और देख सकते हो हम काफी हाइट पे आ चुके हैं। पहुंच गए भाई, बस सामने वाला ही केला पास है और देख सकते हो पूरी चादर बर्फ की, और देख सकते हो यहाँ भी दिख रहा है इजी है यहाँ चलाना, पर भाई इजी नहीं है, और वो क्योंकि हल्की सी बर्फ़ आती है टायर स्लिप मार जाता है, और हार्ड बर्फ है कहीं कहीं, और हम लोग बस थोड़ी देर में केला पास पहुँच जाएंगे। भाई पहुँच गए, बस 2-3 मिनट बाद हम लोग केला पास पे मिलेंगे आपको, और यहाँ पे काफ़ी बर्फ रहती है इसलिए काफ़ी लोग रास्ते में से ही वापस चल गए, तो हमें देखना पड़ेगा कि ओहो है तो सही भाई, बर्फ है। दिक्कत होगी हल्की हल्की अगर
हार्ड वर्क है, क्योंकि काफी लोग आए जो बीच में से मतलब 1 किलोमीटर पहले से ही चल गए वापस, क्योंकि काफी बर्फ जमी हुई थी। तो हम लोगों ने ट्राई किया और देखते हैं हम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं नहीं। मुश्किल से 100 मीटर है यहाँ से, मेरे यहाँ से आई थिंक यहाँ से गाड़ियाँ गई हुई है शायद। इधर से अरे तो बीच में से बर्फ है भाई। आगे आगे और हम लोग पहुंच चुके हैं भाई केला पास। कहाँ है भाई? नाम तो लिखा हुआ ही नहीं है, नाम तो लिखा हुआ ही नहीं है। वहाँ उस फोटो में नाम लिखा हुआ था क्या? हैं? लिखा हुआ था ना? पेंडिंग करते हैं, चल जाता है। कहाँ कहाँ चलोगे? कहाँ चलोगे? उधर चलेंगे ना। नीचे तो नहीं ना अपने को? हाँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है भाई। चलो फिर आगे चलो। भाई ड्रॉप कर लो ना। ड्रॉप करना पड़ेगा ना भाई। सर दुखेगा ध्यान से। लगा लो। तो ये नज़ारे हैं केला पास के, पर ये लिखा हुआ नहीं है कहीं। भाई लिख रही है तो पेट्रोल डालो उसमें, मेरी टैंक में आ जाओ। कहाँ से लिख हो रही है? कहीं से लिख हो रही है भाई, ये लिख हो रही मैं कह रहा हूँ। अब नहीं केंद्र आप खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, तो डाल लो थोड़ा सा, ये कहीं और से लीक हो रहा है। डालो बोतल। ये फाइनली हम लोग पहुंच गए केला पास पे, और केला पास के नज़ारे आपने रास्ते में देख लिए क्या है, और पूरी चादर है भाई बर्फ की। थोड़ा टाइम पहले आते तो यहाँ पूरे में बर्फ ही बर्फ मिलती, और अभी फिर भी बर्फ कम है, पर अभी देखोगे तो चारों तरफ बर्फ चादर चादर है। ये केला पास है, और जिंगनाल से ऊपर आए हम लोग। जिंगनाल से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर आए होंगे शायद, है ना? ज्यादा नहीं आए तो। और रोड बहुत अच्छी है, और यहाँ से हम जाएंगे पेंगोंग की तरफ, उतरेंगे हम नीचे की तरफ, और शॉर्टकट रास्ता ये वाला। और देखो भाई क्या व्यू है यार, क्या व्यू। और देखो ये हमारी बाइक्स रही, और मशीन हमारी, ये हमारी मशीन है जो हमें यहाँ तक लेके आई है। मज़े आ रहे भाई, मज़े फुल मज़े, और बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। तो ये नज़ारे देखो भाई, नज़ारे देखो, क्या फोटो आ रही, क्या वीडियोज आ रही, क्या फुटेज है भाई। ये देखो चारों तरफ से। तो मिलते हैं यहाँ से, हम डुरबुक जा रहे हैं, डुरबुक से पेंगोंग, और से तांग से भी आएगा बीच में ना, और तांग से भी आएगा बीच में। तो देखते कहाँ तक पॉसिबल होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, और हमारे नज़ारे कुछ ऐसे हैं यहाँ के। पीछे का देखो, बाइक देखो, और ऊपर के फ्लैग लगे हुए। तो बस निकलते हैं, और पूरा वाइट चादर भाई, पूरा वाइट टाइगर, वाइट टाइगर बोल रहे। बाकी लगता नहीं मुझे नीचे ज़्यादा मिलेगी अपने को बर्फ, और हमें नीचे से यही दिख रहा था कि सफ़ेद बर्फ़ की चादर, और हम यहीं पहुंच गए। तो भाई कुछ ऐसा रूट है, और कुछ ऐसा कच्चा रूट है जो अभी ये इसके थ्रू साफ कर रहे हैं। और सामने एक छोटी सी लेक है, तो आई थिंक ये केला लेक है क्या है, तो इसका केला लेक ही नाम होगा। वाह भाई वाह,
जिस नदी को हम ऊपर से देख रहे थे वहां तक हम खुद राइड करके आ गए, और इसके पास में से ही रास्ता निकल रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा उतरेंगे और तरुक आ जाएगा। तरुक 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 तंग से कितना किलोमीटर होगा? रूट का बिल्कुल नहीं पता लग पा रहा कि कौन सा अपना हाईवे है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग चले जा रहे हैं और मैदान है पूरा। और ओहो, ये भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा। ओहो, देखते हैं क्या कैसे निकालते हैं यहाँ से। काफ़ी हैवी है, काफ़ी हैवी है भाई, हैवी काफ़ी है, हैवी है काफ़ी। खरगोश देख, कितने सारे खरगोश थे, खरगोश आए कितने सारे, खरगोश खरगोश बहुत सारे खरगोश थे रास्ते में। निकलो, चलो पैर तो बचा हल्का नहीं तो अभी पूरा गीला हल्का हल्का, फिर भी टस तो हो ही गया पानी। और भाई देखो रोड ही नहीं है यार, कहीं ऐसे ही खुले मैदान में अपनी ड्राइव कर रहे हैं, बस एक बनी हुई ट्रेल उस पर से निकल रहे हैं। काफी देर बाद कोई दिखाया हमें, यहाँ पे एक कैंप बना हुआ है, आई थिंक ये ग्रिफ का कैंप है, और कपड़े भी सूख रहे हैं। कहाँ घूम रहा है मेरे भाई अकेला? और सर कैसे हो सर, रोड कब तक आएगा आगे से? रोड ये पांच छह किलोमीटर बाद, पांच छह किलोमीटर बाद। तो कौन सा गांव आएगा यहाँ? अभी आएगा तांग से पहुंच जाएगा। तांग से पहुंचेंगे? हाँ तांग से। कितना किलोमीटर है? तरुक, तांग से तरुक आएगा। तरुक तांग से कितना किलोमीटर है? संतुनर गांव आएगा, संतुनर एक शक उत्तर। हाँ वो कितना दूर है? यही अभी यहाँ से आपका तांग से पड़ जाएगा, 20 किलोमीटर पड़ जाएगा तांग से। 20 और पैंगोंग दूर है? पैंगोंग लेक, हाँ वहाँ से 35 किलोमीटर है। 35 तो अभी आ रहे थोड़ी लोग, कोई टूरिस्ट आ रहा थोड़ी इस पे? आता है कम, हाँ कम आता, कम है। हाँ बाइक लेकर आते हैं। आ रहे कल आए थे? कल आए थे बाइक लेकर। अभी कोई आया? आज तो मैं देखा नहीं, मैं अभी वॉकिंग के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। आप ग्रिफ में किस में हो? मैं आर्मी का। अच्छा अच्छा आर्मी में। ओके ओके। कहाँ से आप? मैं हरियाणा। हरियाणा से? हरियाणा में कहाँ पे? रेवाड़ी। रेवाड़ी ये बहरोड़ के हमारे भैया, बहरोड़ के आपके पड़ोसी ही है। चलो चाय पानी पिलाते हैं। अरे सर लेट हो जाएंगे, हम 100% रुकते हैं आज। लेट मान तक जाना है, पैंगोंग लेक तक जाना अभी। हाँ मान तक लेट हो जाएगा, इसलिए कब वापस आएंगे? कभी इधर से निकलते टाइम मिल के जाएंगे आपसे। ठीक सर, चलिए ओके, थैंक यू। ओके सर, जैन थैंक यू। कुछ ऐसा सीन आया, रोड तो बंद पड़ा, आगे जाके हम किला पास से नीचे आ गए बिल्कुल, और देखते हैं कहाँ से निकले फिर। यहाँ से आ जाओ, या तो ये वैसे भर रहे हैं, कम से कम आधा घंटा लगेगा उनको भरने में। अरे यार तंग से मैंने टाइम से निकलते थे, वैसे थोड़ा होता यार। अरे तो यार ये तो पता ही, रात को पहुंचोगे तो यही सीन मिलेगा, इसलिए कह रहे टाइम से निकलो। ये सीन है देख लो भाई, रोड ही नहीं, क्या करें अब। मैं ले तो मैं भी आऊंगा। आगे जल्दी कर दो, कर दो कर दो फिर जल्दी कर दो यार, कर दो। आगे भी बंदे तो अभी भी फिलहाल यहीं फंसे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कितनी देर में ये लोग क्लियर करते हैं हमें। 2 घंटे तो हमें करीब हो गए यहाँ, तो आई थिंक हम लोग शायद हो चुके हैं, मतलब हो गए ऑलमोस्ट फाइनल फ्री यहाँ से। तो ये देखो भाई, धन्यवाद भाई, फाइनली रास्ता दिया। ये लोग पानी की पाइपलाइन चेंज करते हैं, यहाँ लोहे की पाइपलाइन डली हुई थी और उसको हटा के प्लास्टिक वाली डाली है, तो पूरा रास्ता इन्होंने बीच में से खोल डाला,
करीब 300-400 मीटर होगा करीब करीब। तो हाँ, देख सकते हो कैसा रूट है। तो पेंगोंग यहाँ से 40 किलोमीटर और है, तो हम लोग पहले ही रुकेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि टाइम हो चुका है 7:30। तो पेंगोंग में क्या पता स्टे मिले ना मिले आगे, तो 40 किलोमीटर पहले। ओ हाँ, अब जाके सांस में सांस आई है, हालत खराब हो गई थी भाई। और साथ में रोड भी आ गई हल्की हल्की कच्ची कच्ची वाली रोड। तो मिलते हैं आपको जहाँ भी हम लोग रुकते हैं फिर। ये देखो यहाँ पे आके और ज़्यादा पानी क्लियर हो गया बिल्कुल, देख तो इतनी हाइट से दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। वहाँ आगे से लेफ्ट जा रही है लेक और हमें आगे से राइट में लेना है, और काफ़ी गाड़े नीचे होके जा रही है, तो शायद हमें भी नीचे होके ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं रूट कहाँ से बीच में से नीचे उतर रही है। ये गांव कौन सा है, गांव क्या नाम? मेरक, अच्छा मेरक नाम है उसका।